हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, हम लोगों के पास एक बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन कमेंट आता है जो कि हर एक वीडियो के अंदर कई बार नीचे लिखा जाता है। वो है, हमारी आंखें जो हैं वो अंदर धंस रही हैं या हमारे जो गाल हैं वो पिचक गए हैं, उसके लिए क्या किया जाए। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ जो अंदर धंस रही हैं आंखें, उनके सॉल्यूशन के बारे में, और वो लोग जिनके गाल पिचके हुए हैं और वो फुलाना चाहते हैं, अपने गालों को गोल मटोल बनाना चाहते हैं, उनके बारे में। तो अगर आपको भी लगता है कि आप भी इसी तरह की किसी समस्या से परेशान हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डाइट के बारे में बताऊँगा और मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप आपके चेहरे की मसल्स को बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं, जिससे आप अपनी आंखों के अंदर जो धंसने वाली आंखें उन्हें बेहतर बना पाओगे और साथ के साथ में अपने पिच के गालों को भी बाहर ला करके उन्हें गोल मटोल बना पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके इन लाइक्स की वजह से हमें मिलता है मोटिवेशन और हम आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो डेफिनेटली हमारे जो गाल हैं ऑलमोस्ट उस लेवल पर हो। अंदर धंसती हुई आंखें हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती हैं, पिचके हुए गाल। अगर आपने वेट लॉस किया है, आप एक परफेक्ट जॉ चाहते हैं तो डेफिनेटली कम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है लेकिन आपके गाल परफेक्ट नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं पर एक इनपरफेक्शन कहलाता है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इनके पीछे एक बहुत क्लियर सा रीज़न होता है कि आपके जो मसल्स हैं जो फेस की, वो बहुत अच्छे से, उनमें मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वो परफेक्टली अपना काम नहीं कर रहा। और इसी के लिए बहुत जरूरी है अपनी फेस की मसल्स का परफेक्टली ध्यान रखना, जिससे ये बहुत अच्छे से अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सके। तो यहां पर मैं तीन ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो आपको डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। इनकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा और आपके अंदर धंसने वाली आंखें और पिचके हुए गाल परफेक्ट हो जाएंगे। तो पहली जो चीज आती है दोस्तों, वो आती है छोटी हरड़। छोटी हरड़ हमें पंसारी की दुकान पर, किराने की दुकान पर बहुत आराम से मिल जाती है, और इस आराम से मिलने वाली चीज का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके चेहरे पर जादू हो गया है। आपको इसे पाउडर बना करके हल्का सा रोस्ट कर लेना है, और रोस्ट करने के बाद में एक डिब्बी में भर के रख लेना है, और रोजाना रात को सोते समय एक ग्लास दूध के साथ में आधा चम्मच छोटा हरड़ आपको अपने फांकी की तरह लेना है, और साथ के साथ में दूध जो ऊपर से आपने लिया है उसको पी जाना है। छोटी हरड़ जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां हैं, जिनके अंदर जो सिक्रेशन है हमारे ब्लड का, या जो फ्लो है हमारे ऑक्सीजन का, वो सब कुछ जो डिस्टर्ब हो गया उसको मेंटेन करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारी जो मसल्स हैं फेस की उसको नॉर्मल बनाने के लिए। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके मसल्स जो हैं वो अच्छी नहीं है, बेहतर ढंग से काम नहीं करिए, तो डेफिनेटली नुस्खा ज़रूर अपनाइएगा। दूसरा जो नुस्खा आता है दोस्तों, वो आता है उन लोगों के लिए जो लोग छोटी हरड़ से एलर्जिक होते हैं, जिनको छोटी हरड़ सूट नहीं करती है। तो वहां पर मैं आपको एक और पाउडर बना के दे रहा हूं, जिसका आप इस्तेमाल अपनी आंखों को धंसने पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ के साथ में गाल जो अगर आपके पिचक गए हैं उनको वापस से मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। तो यहां पर हमें लेना है जीरा 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही हमें सौंफ ले लेनी है, और इसके अंदर लगभग 50 ग्राम हमें अजवाइन डाल देनी है। तो 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अजवाइन, इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला करके एक पाउडर बनाइए, एक पेस्ट बना आपका पाउडर जैसा बना लीजिए, और पाउडर जैसा बना करके इसे रोजाना रात को सोते समय फांकी की तरह लीजिए, एक चम्मच लेकर के ऊपर से एक ग्लास दूध पीजिए। यह भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी धसी हुई आंखों को वापस से मेंटेन करने के लिए और आपके जो चेहरा है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। नंबर लास्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है लोकल एप्लीकेशन, मतलब बाहर से आपको चीज करनी है। सो बाहर से रात को सोते समय अपने चेहरे पर 8 से 10 बूंदें कैस्टर ऑयल के लेकर के चेहरे पर अच्छे से मसाज करने से भी हमारी जो मसल्स हैं जिनमें डेप्रिसिएशन हो रहा है, जिनमें टूट फूट हो रही है, जिसकी वजह से हमारी आंखें धंस जाती हैं, हमारे गाल पिचक जाते हैं, उनमें भी हमें बहुत फायदा होता है। तो रोज रात को सोते समय अपनी आंखों के आसपास, अपने पूरे चेहरे पर, जहां पर भी आपको मसल्स कमजोर लगती हैं वहां पर मसाज कीजिए। तो कैस्टर ऑयल जो है वो आयुर्वेद में मसल्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है, इससे आपको बहुत ज्यादा
फायदा होगा, लेकिन कितने दिन में होगा ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक का शरीर अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि बहुत बार आपके कमेंट आते हैं कि सर कितने दिन में फायदा होगा, कितने दिन में नहीं होगा। आप फायदे से ज्यादा प्रयास करना ही नहीं शुरू करते। आपको ये लगता है कि मैं कुछ ऐसा बता दूं कि रात को लगा सुबह एकदम परफेक्ट हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। फिर शायद आप एक गलत चैनल पर हो, क्योंकि नेचुरोपैथी या अरोमाथेरेपी या आयुर्वेद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर समय लगता है लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आते हैं। तो इसे जरूर गांठ बांध के अपने साथ रख लें। इन तीनों ही चीजों का प्रयोग किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है, मतलब 15 साल से ऊपर किसी भी एज ग्रुप में अगर आप हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली सौंफ, जीरा और अजवाइन वाला प्रयोग आप नहीं करोगे, आप हरड़ वाला प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको मेनोपॉज चल रहा है तो भी आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं। फेस मसाज वाला जो प्रयोग मैंने बताया वो तो डेफिनेटली आप दोनों पाउडर्स के साथ किसी भी एज ग्रुप में कराएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जरूर होगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एक और जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ ही दिनों पहले मुझे कपीवा की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिला है जिसका नाम है अनाहत। इस गिफ्ट हैम्पर के अंदर मुझे चार प्रोडक्ट्स मिले हैं। दिखाता हूं मैं आपको क्या क्या है इस गिफ्ट हैम्पर के अंदर। और इस गिफ्ट हैम्पर को आप भी अचीव कर सकते हैं, आपको भी ये गिफ्ट हैम्पर मिल सकता है। कुछ हमें लेटर्स मिले हैं थैंक यू बोलते हुए। इसके अंदर हमें विटामिन सी की आंवला ग्यूमीज मिलती हैं जो कि आपकी स्किन को बेहतर बनाने का काम करती हैं। प्योर वाइल्ड हनी मिला है, इसके अंदर है हमारा तुलसी अर्क और साथ के साथ में वाइल्ड आंवला जूस। ये सब कुछ है इसी गिफ्ट हैम्पर के अंदर और ये गिफ्ट हैम्पर आप भी जीत सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको तीन चीजें करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। साथ के साथ में इंस्टाग्राम पर जाकर के आपको कपीवा ऑफिशियल का जो पेज है वो लाइक करना है, उसे फॉलो करना है। एक और पेज है डॉक्टर मनोज दास के नाम से, उसे फॉलो करना है। और एक मैं पोस्ट का लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और पिन कमेंट में भी, जिस पर क्लिक करके आप उस पोस्ट पर जाओगे और उस पोस्ट पर आपको किन्हीं भी तीन लोगों को टैग करना है। अगर आप ये सारे चीजें करते हैं तो डेफिनेटली कपीवा की तरफ से आप चुने जा सकते हैं इस गिफ्ट हैम्पर को लेने के लिए। तो इस टोटल जो प्रोसेस को करने पर जितने भी लोग इसे फॉलो करेंगे, तीन लोग कपीवा चूज करेगा और तीन लोगों को ये गिफ्ट हैम्पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। सो ये एक बहुत अच्छा कोशिश है आपको इस गिफ्ट हैम्पर जीतने की, तो डेफिनेटली आप इसे जरूर फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा उस पोस्ट का और आप जरूर इसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक बहुत अच्छा रोचक कॉन्टेस्ट है जिसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।